गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है क्रिसमस का सुबह और मेरी क्रिसमस टू एवरीवन, टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली है। प्यार मुझे बहुत ज़रूरी है ये चैनल ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट गाइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैंने ये टेबल को साफ किया है और इस पर मैं अभी टेबल क्लॉथ डालेगी। तो मैंने टेबल क्लॉथ डाल दिया है और टेबल सेट हो चुका है। तो ये मैंने एक्चुअली क्रॉफर्ड मार्केट से लिया था। ये है मरून लेस, आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन कितना अच्छा है और टेबल भी बहुत अच्छा दिख रहा है अभी। और ये हो रहा है हम लोग का ब्रेकफास्ट का तैयारी, बगर ब्रेड और सलामी, और ये सलामी इधर तल रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने बीट को उबालने के लिए रखा है, ये हमारा बीटरूट सैलेड के लिए रहेगा। तो आज मैंने लेट ब्रेकफास्ट किया था क्योंकि मैं सब साफ़ सफाई कर रही थी घर पे, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली भूख नहीं था। तो अभी 5 बज गए शाम के, तो अभी हम लोग जाते हैं अपना लंच बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ लंच के लिए है ओट्स वाला चिल्ला और भिंडी फ्राई और उसके साथ बीट वाला सैलेड। चलो गाइस जाते हैं बनाने के लिए। तो ओट चिल्ला बनाने के लिए हम लोग को लगेंगे क्विकर ओट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, फिर ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है हल्दी पाउडर, फिर ये है ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। तो कभी भी हम लोग ओट चिल्ला बनाएंगे तो उसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए सोक करना पड़ता है। तो ओट्स को हम लोग भिगा के रखेंगे 10 मिनट तक और फिर मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो मैंने ओट्स को भिगा के रखा है, अभी इसको हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ये 10 मिनट के लिए सोक होंगे और फिर हम लोग इसको पीसेंगे मिक्सर में। तो हम लोग बनाएंगे भिंडी फ्राई, तो उसके लिए मैंने भिंडी को धो लिया है और उसको हम लोग अभी कपड़े से अच्छे से पोंछेंगे, जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी है उसको हम लोग कपड़े से पोंछेंगे और फिर उसको काट के हम लोग फ्राई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे फ्राई करती हूँ अपनी भिंडी को। क्योंकि जो भी उसका पानी है उसको हम लोग पूरा ड्राई करेंगे, तो भिंडी पूरा ड्राई होना चाहिए तलने के लिए। तो अभी मैं काटती हूँ भिंडी को और फिर आपको बताती हूँ मैं क्या क्या मसाला डालती हूँ भिंडी फ्राई बनाने के लिए। तो भिंडी फ्राई करने के लिए मैंने डाला है हल्दी का पाउडर, नमक, मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सेजवान सॉस, आटा, मैदे का आटा और चावल का आटा और थोड़ा किचन किंग का मसाला और जो हम लोग का ईस्टर्न मसाला रहता है वो मैंने डाला है। अभी इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और एक 5 मिनट के लिए अलग से रखेंगे मैरिनेट होने के लिए, फिर उसको तलेंगे। ये देखो भिंडी हमारा मैरिनेट हो चुका है और इधर मैं तलूँ इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक। इसमें मैंने मिठाई डाला है बीटरूट को किस के पाउडर और अपना खारा पूरी और नमक अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा चिल्ला जो है बन गया है, मैंने गैस पे रखा है। अभी मैं मेरा ओली डिनर कर रही हूँ, तो ये है ओट्स वाला चिल्ला, ये है सलामी, ये है भिंडी फ्राई और ये है मेरा बीट वाला सैलड। और ये है हमारा ईस्टर्न वाला सॉल्ट पेपर। तो आज आप गाइस क्रिसमस का खाना खा चुके हैं। तो ये है मेरा न्यू ईयर का गाउन जो मैं पहनने वाली हूँ, ये है मरून कलर और इसका जो वर्क आप देख सकते हैं ऊपर से, ये पूरा हैवी वर्क किया है, ये पूरा सीक्वेंस का है। और इधर हम लोग ने एक छोटा सा बेल दिया है, ये आप पीछे से बांध सकते हैं, ये पूरा नेट का कपड़ा है और अंदर पूरा सैटन है। तो ये है
मेरा गाउन जो मैं न्यूयॉर्क के दिन पे पहनेगी। और ये बहुत प्यारा सा गाउन था तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने लिया। और आप मेरे शॉर्ट वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टा आईडी डाला है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मुझे एक्चुअली बहुत बड़ा थैंक्स बोलना है आप सब लोग को, जो भी आप लोग ने प्यार और सपोर्ट दिया मुझे 2023 में। और आज तो पहला दिन है 2024, तो ऐसे ही आप प्यार और सपोर्ट करो मुझे और ये छोटा जो चैनल है मेरा ये ग्रो होने के लिए। तो मैंने एक्चुअली लास्ट वीक में 2K कंप्लीट किया है सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट मी ग्रो इन दिस यूट्यूब। और मुझे और एक अपडेट देना है, तो मेरा जो भी शॉर्ट वीडियोस और व्लॉग वीडियोस आते हैं तो उसका पूरा जो अपडेट है मैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर करती हूँ, तो आप प्लीज़ चेक करते रहो मेरे कम्युनिटी पोस्ट जो भी है। और मेरा जो शॉर्ट वीडियोस है वो 8 बजे रात को आते हैं और मेरे व्लॉग्स वीडियो जो है रोज 9 बजे सुबह आएंगे और एवरी वेडनेसडे को 7 बजे शाम को मैं लाइव आने वाली हूँ सब के लिए। तो आप लोग ने बहुत मेरे को प्यार और सपोर्ट किया है तो उसके वजह से मैं एटलीस्ट थोड़ा टाइम जो है मेरे यूट्यूब फैमिली को देगी। तो हर वेडनेसडे को 7 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ। और एक महीने में एक बार मैं गिव अवे करेगी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स को है, जो बेस्ट कमेंट रहेगा मेरे व्लॉग्स वीडियो में या शॉर्ट वीडियोस में उसको मैं गिव अवे देगी महीने में एक बार। वो रैंडमली रहेगा, जो भी अच्छा कमेंट्स करेंगे तो ही उनको गिव अवे मिलेगा। तो ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहो मुझे और मेरे चैनल को ग्रो होने दो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करो और कमेंट्स करने के लिए मत भूलो गाइस। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट देखते भी नहीं हो, जो भी अपडेट्स रहते हैं मेरे चैनल पे तो वो पूरा मैं कम्युनिटी पे पोस्ट मैं करती हूँ हमेशा, तो प्लीज़ चेक करो गाइस। अभी हम लोग ऑन द वे है शालीमार रेस्टोरेंट जा रहे हैं जोगेश्वरी और अभी हम लोग पहुँच गए हैं मलाड माइंड स्पेस। ये है मेट्रो का ब्रिज साइड पे देख सकते हैं अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट आएंगे। और ये देखो ये है दिल्ली जायका जाफर भाई, ये सब एक लाइन में है। ये देखो ये है पर्शियन टेप का और आगे हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट अभी शालीमार। और ये देखो हम लोग पहुंच गए शालीमार जोगेश्वरी, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर ऑर्डर देने के लिए क्योंकि हम लोग एक्चुअली टेक अवे ले रहे हैं। तो ये है शालीमार और ये न्यू ईयर के लिए पूरा डेकोरेटेड हो गया है। इन लोग ने इंटीरियर एक्चुअली चेंज किया है थोड़ा हम लोग, तो अभी ये ऐसा दिखता है। और ये है उन लोग का वेटिंग एरिया जो बाहर उन लोग ने किया है अगर आप टेक अवे के लिए आते हो तो। और ये है शालीमार का एंट्रेंस। ये है मैं बाहर बैठी हूँ क्योंकि ऑर्डर के लिए टाइम लगेगा और मैंने मंगाया फ्रेश लाइम सोडा। ये आ गया हमारा फ्रेश लाइम सोडा और उधर एंटोन पी रहा है थम्स अप स्माइल मैन से हैप्पी न्यू ईयर।
पार्सल जो हम लोग ने शालीमार से लेके आए हैं, तो ये है चिकन मसाला और बटर नान। तो इन लोग ने जो पैकिंग किया है बहुत अच्छे से किया है। और ये है चिकन मसाला शालीमार का और ये है बटर नान। चलो गाइस चलते हैं लंच खाने के लिए। तो ये है उन लोग का चिकन मसाला जो बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो हम लोग सर्व करते हैं। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ और ये है चिकन मसाला और बटर नान। आ जाओ गाइस न्यूयॉर्क का पहला लंच मेरे साथ खाने के लिए। तो अभी हम लोग जस्ट आए शालीमार चौक के। तो हम लोग एक्चुअली लंच लेने के लिए गए थे टेक अवे। तो अभी हम लोग जस्ट आए, तो मैं इधर ही आपका जो ये ब्लॉग है मैं एंड करती हूँ। और कल वापस से हम लोग मिलेंगे नए ब्लॉग में और 9 बजे शाम। मैं हमेशा मैं पोस्ट करती हूँ मेरे नए ब्लॉग्स सुबह के। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस एंड कमेंट बिलो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप सब लोगों को मेरे दिल से दुआ है कि आपको जो भी कामयाब चाहिए आपके ज़िंदगी में तो आपको मिले। और जो ये नया साल है 2024, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। एंड थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।